एक्टिव मोड में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा एसएससी का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम हरियाणा जीके के पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज थर्ड पार्ट में हम 100 क्वेश्चन और करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का कौन सा नगर काशी कहलाता है? भिवानी। हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? केथल। 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 800 मीटर में स्वर्ण जीतने वाले हरियाणा की खिलाड़ी कौन थी? गीता जुत्सी। पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल कहाँ के रहने वाले थे? रेवाड़ी के। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? 1991 में। 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कंवर पाल गुज्जर। हरियाणा विधानसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? संतोष यादव। 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? 13। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की कितनी सीटें थी? 54। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई? 1977 में। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17। भूतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जींद में। भीमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पिंजौर पंचकुला में। उत्तर भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? भीमा देवी मंदिर पिंजौर में है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। कपाल मोचन तीर्थ किस जिले में है? यमुनानगर में। माता मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पंचकुला में। शहीद सरोवर कहाँ स्थित है? थानेश्वर में। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? नलहद मेवात में। माधोगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़ में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस वर्ष शुरू किया गया था? 1986 में। ढोसी की पहाड़ी जो चव्या ऋषि से संबंधित है किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। लगातार दो एशियाई खेलों 1966 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नगरी कहलाता है? भिवाड़ी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? फतेहाबाद में। नाहड़ वन्य जीवन अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2016 का थीम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। हरियाणा के किस शहर का पूरा नाम जैनतापुरी है? जींद। हरियाणा के किस जिले में केवल दो विधानसभा क्षेत्र है? पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? हिसार में। फतेहाबाद शहर 1352 में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है? यादवेंद्र उद्यान पिंजौर में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यमुनानगर में। अम्बाड़ा में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में। सीही फरीदाबाद में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। धमधान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? जींद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की थी? पानीपत से की थी। भीमेश्वरी देवी का मेला हरियाणा में किस स्थान पर लगता है? बेरी झज्जर में लगता है। हरियाणा के किस नगर में 1591 ईस्वी में शाह कुली खान द्वारा बनाया गया जल महल है? नारनौल। छड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा कब किया जाता है? गोगा नवमी। अम्बाड़ा में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 में। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपये प्रदान की जाती है। मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भिवानी। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पानीपत में। जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटूराम ने। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की
कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 135.6 किलोमीटर। सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? रेवाड़ी में। कुजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल किस वर्ष बना? 1961 में। हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? करनाल में। गोरखपुर फतेहाबाद परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट, 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? जसोर खेड़ा झज्जर में। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? चंद्रावती। हरियाणा के 21 जिले से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है गुड़गांव से। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनवीर सिंह भंडाना। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल। यह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ स्थित है? पानीपत में। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने पर कितने प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 1 लाख रुपये दी जाती है। राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित हुआ है? कुरुक्षेत्र में। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के अंतर्गत 3 राशि दी जाती है 41,000 रुपये। महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1091। हरियाणा में कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी माधवन। 2014-15 के दौरान स्थित मूल्यों पर हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 71,493 रुपये। आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 2070 के 77 के दौरान सृजित साहित्य को किस ग्रंथ में संकलित किया जा रहा है? शुभ्रम ज्योत्सना। 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया? स्मारक बनाया जा रहा है अंबाला में। हरियाणा राज्य के बिजली घरों को कोयला आपूर्ति हेतु कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में आवंटित किया गया है? झारखंड में। खाली पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की? चौधरी बंसी लाल ने। भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए? 22 दिसंबर 1972 को। कुरुक्षेत्र जिला कब बना? 23 जनवरी 1973 को। सिरसा जिला कब बना? 26 अगस्त 1975 को। फरीदाबाद जिला कब बना? 2 अगस्त 1979 को। पानीपत जिला कब बना? 1 नवंबर 1987 को। कैथल रेवाड़ी और यमुनानगर जिले कब बने? 1 नवंबर 1989 को। पंचकूला को जिले का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1995 को। फतेहाबाद और झज्जर जिले कब बने? 15 जुलाई 1997 को। मेवात जिला कब बना? 4 अप्रैल 2005 को। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? 13 अगस्त 2008 को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए? 2715। हरियाणा के कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए? 346। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहली हरियाणवी कौन थे? बाबू मुरलीधर। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? पंडित नेकीराम शर्मा। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन? चौधरी छोटूराम। देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? प्रजामंडल आंदोलन। खच्चर फार्मूला कब आया था? सच्चर फार्मूला कब आया था? 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया? 24 जुलाई 1956 को। पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किस नेतृत्व में गठित की गई? सरदार हुकुम सिंह। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? 23 अप्रैल 1966 को। जेसी शाह आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3। जस्टिस जेसी शाह, श्री एस दत्त, श्री एम एम फिलिप। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 31 मई 1966 को। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया? 13 सितंबर 1966 को। हरियाणा
कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत भूषण भारती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।